नमस्कार, मैं अनुष्का, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ने निकाली रिक्त दिया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ने चिकित्सा वैज्ञानिक अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, परमाणु चिकित्सा प्रौद्योगिकी विद, नर्स, वैज्ञानिक सहायक, फार्मासिस्ट, ड्राइवर, सह पंप ऑपरेटर कम फायरमैन, स्टाइपेंडरी ट्रेनी के 63 पोस्ट पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषयों में 12वीं डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी, एमडी आदि होनी चाहिए। योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट recruit.bark.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। आम बजट में बिहार की ये दो मांगे हुई पूरी। केंद्रीय बजट 2021-22 में भले ही सूबे बिहार के लिए अलग से किसी योजना का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए यह खास साबित होने वाला है। केंद्र सरकार ने कर्ज लेने की सीमा 3% से बढ़ाकर 4% कर दी है। इस लिहाज से बिहार अब ज्यादा कर्ज लेकर विकास कार्यों की दिशा में रफ्तार से काम कर सकेगा। पहले के मुकाबले 6,000 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज की राशि से सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में तेजी आएगी। नए बजट से आत्मनिर्भर बिहार बनाने की दिशा में सकारात्मक काम होंगे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार काफी दिनों से ही कर्ज लेने की सीमा बढ़ाए जाने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे थे। 2,39,000 नए मतदाताओं को मिलेगा उनका ई वोटर आईडी कार्ड। बिहार के जिन नए मतदाताओं ने पहचान पत्र बनाने के समय अपना खुद का मोबाइल नंबर दिया है, वैसे नए वोटर्स ई मतदाता पहचान पत्र यानी कि ई-ईपिक को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। बाकी बचे नए वोटर्स को ऑनलाइन केवाईसी करना होगा और अपना मोबाइल नंबर डलवाना होगा, इसके बाद ही वे ई-ईपिक डाउनलोड कर पाएंगे। आपको बता दें कि देश भर में डिजिटल वोटर आईडी कार्ड यानी कि ई-ईपिक को 25 जनवरी को लॉन्च किया गया है। इस कार्ड को मोबाइल फोन में रखा जा सकता है, एक नंबर से एक ही ई-ईपिक बनाया जा सकता है। ई वोटर कार्ड से चुनाव में मतदान भी दे सकते हैं। वोटर को बार बार नया कार्ड बनवाने की दिक्कत से छुटकारा मिलेगा। 5 सालों में बिहार को मिलेंगे 4,78,000 करोड़ रुपये। सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आम बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को सबसे अधिक 4,78,751 करोड़ की राशि अगले 5 सालों में मिलने वाली है। इनमें से 4,24,926 करोड़ रुपये सेंट्रल टैक्सों में हिस्से के तौर पर होगी, जबकि 53,885 करोड़ रुपये अनुदान के तौर पर बिहार को प्राप्त होगा। इस राशि से आने वाले दिनों में बिहार में तेजी से विकास होगा। हर वर्ष आने वाली आपदा से राज्य को काफी ही नुकसान झेलना पड़ता है। इस आम बजट में पिछले बजट के मुकाबले 6 गुना अधिक राशि का प्रावधान आपदा प्रबंधन के लिए किया गया है। राज्य के 46,000 गांव जुड़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से। केंद्रीय बजट से बिहार को स्पेशल कुछ नहीं मिला, लेकिन आम बजट में बिहार के सभी 45,945 गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की बात जरूर है। बजट में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काम किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर में ही बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की थी। बजट के बाद से ही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा। इंटर परीक्षा के पहले दिन 163 परीक्षार्थी हुए एक्सपेल्ड। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर की परीक्षा बड़ी ही सख्ती से ली जा रही है। सभी केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। परीक्षा के पहले दिन 13 जिलों से कुल 163 परीक्षार्थी को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया है। सबसे ज्यादा भोजपुर से 33, जमुई से 29 और नालंदा से 28 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। आज परीक्षा के दूसरे दिन आर्ट्स और साइंस संकाय के मैथ सब्जेक्ट, भूगोल और वोकेशनल कोर्स के अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली। 10 फरवरी तक ठंड का सितम रहने वाला है जारी। ठंड को लेकर मौसम विभाग ने 3 फरवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सर्दी की स्थिति 10 फरवरी तक जारी रहने वाली है, जिसे लेकर लोगों को सलाह दी गई है कि ज्यादा बाहर निकलने से बचे। मौसम विभाग ने फ्लू और सर्दी को लेकर चेतावनी दी है। राजधानी पटना में 2 दिन से हल्की धूप खिलने के कारण दिन के समय तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन तेज हवाओं के बहने से ठिठुरन भरा एहसास धूप खिलने के बाद भी रहा। वहीं शाम में कोहरे के साथ सर्द हवा ने तापमान गिरा दिया। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी और उत्तर पश्चिम की तरफ से तेज हवाएं बिहार में प्रवेश कर रही है, जिस कारण अभी हफ्ता भर कपकपी बनी रहेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय मुजफ्फरपुर दौरे पर रहेंगे। आने वाले 13 फरवरी को सरसंघ संचालक मोहन भागवत मुजफ्फरपुर आने वाले हैं। 2 दिनों के बिहार दौरे के पहले दिन वे मुजफ्फरपुर में बने उत्तर बिहार प्रांतीय संघ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं दूसरे दिन औराई प्रखंड के राजखंड गांव में इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्म हाउस देखने जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तर बिहार प्रांत के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना को लेकर एहतियात के तौर पर किसी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।
उद्घाटन कार्यक्रम को छोटे स्तर पर आयोजित किया जाएगा। भीड़ कम हो इसके लिए सामान्य स्वयं सेवकों को भी नहीं बुलाया जाएगा। अशोक रसायन शास्त्री प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा का निधन। मगध यूनिवर्सिटी के अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष व चर्चित रसायन शास्त्री प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा का 90 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से निधन हो गया। पटना के रहने वाले और पटना साइंस कॉलेज के छात्र रहे प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने गया कॉलेज और मगध विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केमिस्ट्री में बहुमूल्य योगदान दिया है। गया में उन्होंने रोटरी क्लब की स्थापना की थी। आपको बता दें कि रसायन के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 70 के दशक में थर्मल एनालाइजर पर शोध करने में उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। इनका अंतिम संस्कार आज गया के विष्णुपद में होगी। कांग्रेस एमएलए ने जदयू के कई विधायकों का महागठबंधन से संपर्क होने का किया दावा। बक्सर से कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस एमएलए ने दावा किया है कि जदयू के 20 विधायक महागठबंधन के संपर्क में हैं। वे किसी भी समय पार्टी छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने जदयू एमएलसी संजीव श्याम के साथ बक्सर के जिला अतिथि गृह में एक बैठक की थी, जिसके बाद ही ये दावा किया गया है। आपको बता दें कि इस दावे को लेकर जब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और जदयू नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। कैबिनेट विस्तार से पहले इस तरह के बयान ने बिहार की सियासी महकमे में नई हलचल पैदा कर दी है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अजय भूषण पांडे की। अजय भूषण पांडे का जन्म आज ही के दिन हुआ था। अजय भूषण पांडे 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जो महाराष्ट्र कैडर से संबंधित है। वह भारत के वर्तमान राजस्व सचिव है। वह आधार के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO थे। वह GSTN गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क भारत के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। अपार्टमेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य। राजधानी पटना में अब हर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट में CCTV कैमरा लगाना होगा। साथ ही बैंकों, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शॉप और अस्पतालों में भी CCTV कैमरे लगवाने होंगे। बढ़ते आपराधिक मामले को देखते हुए प्रमंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पटना के सभी अपार्टमेंट में एंट्री गेट, एग्जिट गेट, सीढ़ी, लिफ्ट, पार्किंग, हर फ्लोर पर और बाहर की ओर लोकेशन के साथ CCTV लगाना होगा। इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इस संबंध में अगर सोसाइटी द्वारा मनमानी की जाती है तो संबंधित सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई की। बिहार पुलिस मुख्यालय ने शराब बरामदगी मामले में 2 को किया निलंबित। राजधानी में थाने से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोदाम से 2 करोड़ रुपए की शराब की बरामदगी मामले में DGP ने बाईपास थाना प्रभारी और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस मुख्यालय ने पटना सिटी DSP से पूरे मामले में स्पष्टीकरण की भी मांग की है। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी राजधानी के ही बाईपास थाने के पास से अवैध शराब की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। एक्साइज विभाग की टीम ने 2 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है। जब्त की गई शराब हरियाणा से मंगवाई गई थी। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अशोक राजपथ में बनेगा डबल डेकर एलिवेटेड सड़क। राजधानी पटना के व्यस्त मार्गों में से एक अशोक राजपथ को जल्द ही जाम की समस्या से निजात मिलेगा। अशोक राजपथ में डबल डेकर एलिवेटेड सड़क बनाने का काम अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगा। गांधी मैदान के कारगिल चौक के पास उत्तर से इस सड़क की शुरुआत होगी। गांधी मैदान से PMCH, पटना यूनिवर्सिटी, NIT जाने वाले लोग सड़क के दूसरे तल से जाएंगे। वहीं NIT मोड से गांधी मैदान की ओर आने वाले लोग पहले तल से आएंगे, जो कि BN कॉलेज के पास उतरेगी। आपको बता दें कि अशोक राजपथ में डबल डेकर एलिवेटेड सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड भी बनेगा। इससे लोकल एरिया में जाने में आसानी होगी। बुमराह की नकल उतारने पर अनिल कुंबले ने दिया रिएक्शन। भारतीय टीम के शानदार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एक वीडियो कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती देखी गई थी। इस वीडियो में बुमराह अनिल कुंबले की नकल उतारते नजर आ रहे थे। हालांकि अब अनिल कुंबले ने खुद इस वीडियो को लेकर अपना रिएक्शन दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि शाबाश बूम, तुम इसके काफी करीब थे। आप अगली पीढ़ी के युवा तेज गेंदबाजों के लिए एक प्रेरणा है जो आपके स्टाइल की नकल कर रहे हैं। अगली सीरीज के लिए शुभकामनाएं। गौरतलब है कि अनिल कुंबले भारत की तरफ से वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार 5 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? तो आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस वीडियो को आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। और बिहार के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।